अक्सर मित्र मंडली में ऐसी बातें होती रहती हैं कि अरे मुझे वो सपना आया, मुझे सपने में ये दिखा वो दिखा, ऐसे वार्तालाप अक्सर सुनने में आते हैं। और बड़े बुजुर्ग भी करते हैं, बालक बालिकाएं भी करते हैं, मतलब हर वर्ग का लोग सपने सुनाते हैं। लेकिन सपने में कुछ संकेत छुपे हुए रहते हैं जो हमको बताते हैं कि हमारे पास कितना अथाह पैसा आने वाला है, लेकिन हम उसको नहीं समझ पाते और ऐसे ऐसे कृत्य करते हैं जो वो सपने निष्फल हो जाते हैं और उनका शुभ प्रभाव हम तक नहीं पहुंच पाता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर ऐसे सपने आपको दिखें तो इनको किसी को भी बताएं नहीं, बल्कि अपने मन में संजो के रखें, क्योंकि सपने बताने से उनका प्रभाव शून्य होता है। आपको ऐसे सपने किसी को भी नहीं सुनाने चाहिए जो आपके लिए धन प्रदायक होते हैं। तो आप इस वीडियो को देखकर जान पाएंगे कि आपके लिए कौन सा सपना स्वर्णिम अवसर लेकर आ रहा है धन संपदा पाने का। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर उमाश्री, मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है। मित्रों, आज भी आपका स्वागत पूरे मनोयोग पूर्वक करती हूं, आपका वेलकम करती हूं। आप इसी तरह खुशहाल ज़िंदगी बसर करते रहें, मेरी ब्लेसिंग्स मेरे सब्सक्राइबर के साथ में हमेशा होती है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। लेकिन आज आप पहली बार डॉक्टर उमाश्री चैनल पर आए हैं तो मैं छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करती हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए और ऑल पर क्लिक करिए इसी तरह की बेहतरीन जानकारी भविष्य में पाने के लिए। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आप जानकर अच्छा लगेगा आपको, ऐसी वीडियो है आज की तो पूरी दिखेगा। जो व्यक्ति स्वप्न में धुआं पीते हुए अपने को देखता है उस पर लक्ष्मी अपार कृपा प्राप्त वो उसको हो रही है, लक्ष्मी माता उस पर प्रसन्न हो रही हैं, ऐसा उसको मानना चाहिए। जो मनुष्य स्वप्न में अग्नि को निगलता है उसको स्थाई लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। स्थाई लक्ष्मी की प्राप्ति का एक संकेत ये भी है कि जो मनुष्य धूम और ज्वाला सहित सॉरी ज्वाला रहित अग्नि को निगलता है या अग्नि के ज्वाला रहित अग्नि को मथता है तो उसको भी स्थाई लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, ऐसा आपको मानना चाहिए। जिस मनुष्य के हाथ में पक्षी आएगा या हरिण आएगा या शंख आए या मछली आए या सीप आए हाथ में, तो ऐसे मनुष्य को ऐसा मानना चाहिए कि वो बहुत प्रसिद्धि पाएगा और धनवान भी बहुत मात्रा में होगा। जो मनुष्य पृथ्वी को निगलते हुए अपने को देखे स्वप्न में तो ऐसा माना जाना चाहिए कि वो बुद्धिमान तो है ही, लेकिन उसका धन का जो भाव है बहुत वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, उसके पास बहुत ज़्यादा अथाह मात्रा में पैसा आता ही जा रहा है आता ही जा रहा है, ऐसी उसकी ज़िंदगी होने वाली है। पृथ्वी को निगलने के साथ साथ ऐसा मनुष्य पुल को बांधता हुआ स्वयं को देखे स्वप्न में तो उसको संपत्ति उसकी संपत्ति वृद्धि को प्राप्त होने वाली है, ऐसा उसको मानना चाहिए। उसके पास संपत्ति की वृद्धि होने वाली है, ऐसा उसको समझना चाहिए। जो मनुष्य स्वप्न में हाथी घोड़ा रथ और पैदल को देखता है, चतुरंगिनी सेना को कोई व्यक्ति देखता है स्वप्न में तो उसकी संपत्ति कभी समाप्त नहीं होती, कभी नष्ट नहीं होती, अर्थात वो सारी जिंदगी भर संपत्ति का स्वामी बना रहता है। जो व्यक्ति स्वप्न में स्वयं को मोती मूंगा और अन्य रत्नों से सुशोभित देखे उसके जीवन में धन का आगमन होने वाला है, ऐसा उसको समझना चाहिए। मोती मूंगा कौड़ी इनको देखना स्वप्न में बहुत शुभ माना जाता है, ये धन प्रदायक स्वप्न होते हैं। ऐसा व्यक्ति शीघ्र ही धन को प्राप्त करने में समर्थ होता है। जो मनुष्य स्वप्न में आभूषण देखता है और उसको आभूषण देखने मात्र से ही उसको स्वप्न में ऐसा मानना चाहिए, हकीकत में उसको निरंतर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कान का आभूषण ललाट का आभूषण जो मनुष्य स्वप्न में देखता है उसको बहुत ज़्यादा धन संपदा शीघ्र ही मिलती है, उसकी धन संपत्ति पूर्ण होती है। जिस मनुष्य को स्वप्न में स्वास्तिक दिखे दूर्वा दिखे और कलावा या मोली दिखे नदी दिखे मांगलिक चिन्ह दिखे कोई भी भंवर दिखे तो ऐसे स्वप्न भी बहुत शुभ होते हैं और धन प्रदायक इनको मानना चाहिए। ऐसा मनुष्य महाराजाओं राजाओं के समान प्रतिभाशाली होता है और उसको बलशाली मान सकते हैं आप और संपन्नता में भी उनको पीछे तो छोड़ देता है, ऐसा उसका धन वैभव व्याप्त होता है उसकी ज़िंदगी में। मतलब महाराजाओं
जैसा धन वैभव वो प्राप्त करता है, अगर आपको मैंने सपने बताए, इनमें से कोई भी सपना उसको दिखे, सपने में कोई वस्तु दिखे, तो आपको ऐसा समझना चाहिए कि उसके ज़िंदगी में शुभ ही शुभ होने वाला है और राजा महाराजा तुल्य वैभव उसको मिलने वाले हैं। जो पुरुष स्वप्न में स्त्री का स्तन मर्दन करते हुए खुद को देखता है, उसके ज़िंदगी में स्त्री रूपी धन प्राप्त होता है उसको, मतलब उसकी शादी हो जाती है ऐसा मानना चाहिए, लेकिन शास्त्रों में ऐसा उल्लेख नहीं है, स्त्री रूपी धन ही उसको प्राप्त होना लिखा है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य ही बताना। वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी जानकारी आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट करके अवश्य ही बताया कीजिए। मेरे अन्य वीडियो भी YouTube पर अवेलेबल हैं जो 5200 की संख्या में है, उनको भी आप देख सकते हैं। बस आपको टाइप करना होता है डॉक्टर उमाश्री, मेरे वीडियो खुलकर आपके सामने आ जाते हैं, जो तरह तरह से आपको लाभ की और ज्ञान की प्राप्ति कराने में समर्थ होते हैं। आप मुझसे ज्योतिषीय एडवाइस भी ले सकते हैं। मैं 23-24 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ और बहुत लोगों को लाभान्वित कर चुकी हूँ। अब आपकी बारी है। ये सर्विस चार्जेबल होती है, लेकिन चार्जेस बहुत नॉमिनल से होते हैं, हर कोई अफोर्ड कर सकता है और आप भी अफोर्ड कर सकते हैं। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के जरिए हमसे संपर्क करना पड़ता है। तो आज का वीडियो इतना ही था, आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू सो मच।